और जिन लोगों ने मुझे कमेंट नहीं करा है, वो सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मुझे सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते, प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुसुम पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज बना रही हूँ मैं कोकोनट बर्फी, कोकोनट की मिठाई। तो ये डाला, ये लिया मैंने एक गिलास दूध, फुल क्रीम, ये देखो बिल्कुल मलाई वाला, फुल क्रीम मलाई वाला दूध। और इसको थोड़ा उबलने दे। और इसमें ना मैं डेढ़ कटोरी चीनी डालूंगी। और देखिए थोड़ा दूध उबलेगा, पकेगा, तब डालूंगी मैं इसमें ये दो चम्मच मैदा। और इसको ना दूध में घोल के डालना, नहीं तो इसके ना लम्स बन जाएंगे, बिल्कुल घोल के इस तरह से डालना है ऐसे, ठीक है। और इसमें डालूंगी मैं ये पौन कटोरी सूजी, ठीक है। और डालूंगी ये मैदा, ये जो घुला हुआ मैदा है ना। अब इसको चलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना हो। देखो अच्छे से घुल गया है ना वो। देखिए, और अब डालूंगी मैं थोड़ा इसमें इलायची पाउडर एक चम्मच, मतलब एक टीस्पून। और इसमें डालूंगी एक कटोरी नारियल का बुरादा। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा ये फूड कलर, फूड कलर डालूंगी मैं इसमें। इसका अंदाज क्यों आ रहा है, ज़्यादा बढ़िया रही। देखा आपने कैसे कलर आ गया, बिल्कुल ग्रीन कलर। और इसमें डालूंगी एक चम्मच में थोड़ा चिपके ना, देखो बिल्कुल ऐसे हो गया घी डाल के ये इस टाइप का। तो दोस्तों आप भी बनाना, बहुत सरल तरीका है इस बनाने का, मैंने आपको बताया, और खाने में भी उतना ही लाजवाब हुआ है। और इसमें डालूंगी मैं 10-15 काजू, देखा आपने। का स्वाद ना गजब होगा सच में। और थोड़ा सा मैं इसमें ना घी लगाऊंगी नीचे, ताकि ये जब वो बर्फ पीस जो है फटाफट निकल जाए। जो देखो इसके लिए कर दिया मैंने, अभी 2 मिनट ज़रा ठंडा होने दी, कलर जा। अब ये ना इस पे बिल्कुल पीस बढ़िया से बन जाएंगे।
अब ये देखिए, ये डाल रही मैं गार्निश के लिए बादाम। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी रेस्ट के लिए, ताकि ये मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों देखो, ये बनाई मैंने खूब सारी बर्फ़ी। ये देखो इस तरह से इतने सुंदर सुंदर इसके पीस बने हैं, खाने में भी गजब। मानसून ने टेस्ट कर ली है, बड़ी गजब है। और थोड़े से दूध में, एक गिलास दूध में, आपने देखी है रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है। तो आप भी बनाना इस तरह से और खाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया, थोड़ा ये पीसेस बन गए, उसमें गीली थी तो पीसेस नहीं बन पा रहे थे, तो 2-3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया, तो फटाफट इसके पीस बन गए। तो दोस्तों मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जिन लोगों ने मुझे कमेंट नहीं करा है, वो सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मुझे सब्सक्राइब कर ले। तो गुड बाय।